ये देखो भाई, एक सेकंड में पूरे का पूरा वेदर चेंज, विजिबिलिटी जीरो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इतना गजब का मौसम हो गया है, बहुत जबरदस्त। अभी सब कुछ दिख रहा था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हिमाचल सीरीज के एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, जैसे हम यहाँ मजे कर रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं जरूर मजे कर रहे होंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं शिमला, जैसे हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी। और ये आप जो व्यू देख रहे हैं, मेरे होटल से देख रहे हैं भाई, गजब का व्यू है। और अब हम दिखाते हैं आपको पूरा शिमला। उतर गए हैं नीचे शिमला की वादियों में। ये हम जा रहे हैं मॉल रोड पर। मॉल रोड का नज़ारा आप देख ही पा रहे हो, कितना खूबसूरत है, कितना मज़ेदार है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और ये पब्लिक हमारे साथ जा रही है, अपने भाई लोग भी साथ साथ चल रहे हैं। बंदर भाई, बंदर बहुत है यहाँ। बंदर कह रहा, लंगूर है तो अपना ही सही बन गया भाई, लंगूर को बंदर बोल दिया, पर ये लंगूर था, यहाँ ज़्यादा है यार। हमने जो होटल लिया था मॉल रोड पे लिया था ऊपर, और काफ़ी हाइट पे अपना होटल था, तकरीबन 70-72 स्टेयर्स हमें चढ़ के वहाँ जानी पड़ती थी। बहुत ही मतलब, लेकिन वहाँ से जो व्यू थे ना, बहुत खूबसूरत थे। जो स्टार्टिंग मैंने आपको व्यू दिखाया था वो मेरे होटल से ही था। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। वैसे शिमला हमने काफ़ी बार देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन ये जो वेदर है ना, इस वेदर में अलग ही मज़ा है। लिफ्ट आ गई भाई मेरे लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड पर आप देख रहे हो, यहाँ का मेन अट्रैक्शन। लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यार, वीकेंड है ना, तो हम नहीं जाएंगे मार्केट है, बस ऐसे ही घूमते रहेंगे मार्केट में चारों तरफ कहीं कहीं। ये मेन मॉल रोड आ गया, जितनी भी जगह अंग्रेजों ने बसाई सब जगह मॉल रोड है ही है भाई, कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने मॉल रोड, हर जगह बनाया है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, जो मेन पॉइंट है, जहाँ पे चर्च है, रानी लक्ष्मीबाई का स्टेचू है। चलते हैं ऊपर की साइड, देखते हैं क्या है ऊपर, और दिखाते हैं आपको भी ऊपर से। सीढ़ियाँ बहुत है यार, यहाँ सब जगह थक जाते हैं। ये हम आ गए हाई पॉइंट पे, अभी और भी ऊपर है, और ऊपर चलेंगे अभी, क्योंकि नज़ारे यहाँ से खूबसूरत है भाई। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है लिटरली। थोड़ा ऊपर आ गए हैं जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का स्टेचू है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखेगा। ये रहा हमारे सामने रानी लक्ष्मीबाई का स्टेचू, घोड़े पे बैठी हैं, दत्तक पुत्र को कमर पे बांधा हुआ है। यार क्या अपनी गजब की हिस्ट्री है भाई, समझने पढ़ने वाले देखने वाला मज़ा आ गया यार, फीलिंग आ गई। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेज़ों के भाई, और शान से खड़ा है आज भी इनका स्टेचू। एक अकेली ने खूब छक्के छुड़ाए अंग्रेज़ों के भाई, और स्टेचू भी ऐसी जगह बनाया है क्या, जो शहरी अंग्रेज़ों ने बसाया था शिमला भाई, गजब है। और अभी देखो, अभी तो सब कुछ क्लियर दिख रहा था, अभी विजिबिलिटी फिर से वापस जीरो हो गई। इस वेदर में आने का यहाँ यही मज़ा है कि सेकंड पल में वेदर बदल जाता है, पल में एकदम। अब देखो थोड़ा आगे गए, वेदर चेंज, विजिबिलिटी आ गई, पीछे थे तो विजिबिलिटी जीरो थी। अच्छा, बच्चों के खेलने का जुगाड़ भी है भाई, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं, किड्स साथ में, तो किड्स भी यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। छोटा सा प्लेग्राउंड है, बैठने की जगह भी है, व्यू पॉइंट भी है, यहाँ से व्यू भी पूरा आता है, पूरा जिस जगह हम हैं यहाँ से पूरा मॉल रोड का नीचे, मॉल रोड हमारे लेफ्ट में है, पूरा व्यू आता है मॉल रोड का यहाँ से। खैर ये सब छोड़ो, नज़ारे देखो आप भाई, लगता बहुत खूबसूरत है ऊपर से। और मतलब जितना खूबसूरत लगता है ना जब आप यहाँ आओगे, उससे ज़्यादा फील आएगी भाई, ज़बरदस्त। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इस मौसम में आओगे तो स्पेशली बिल्कुल भी महंगा नहीं होता इस वेदर में तो, क्योंकि इनके हिसाब से ये आउट सीज़न होता है, लेकिन मज़ा अलग ही है। चलो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, तुम्हें और नज़ारे दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं चर्च की तरफ, जो मेन सबसे ऊपर पॉइंट है, वहाँ से ऑलमोस्ट पूरा शिमला आप कवर कर सकते हैं। वैसे पूरा शिमला तो हमारे होटल से भी कवर हो रहा था। ऊपर चर्च की तरफ भाई, जो मेन पॉइंट है, मेन अट्रैक्शन है, कवर करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, बहुत ऊपर है। लेकिन ये आ गए हैं भाई हम ऊपर चर्च पे, ये सामने देख रहे हो चर्च ही है, ये है क्रिस्ट चर्च शिमला। बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना बना हुआ है, लेकिन मेंटेन किया हुआ है आज भी। खैर चर्च में तो अंदर नहीं जाएंगे, वीडियो शूट करना पता नहीं अलाउड है या नहीं है, लेकिन यहाँ हमेशा क्राउड रहता है, फुल क्राउड रहता है यहाँ। ये वो चर्च, थोड़ा सा ऊपर से भी दिखाया था आपको कैसा है रोड से, ये देखो
मतलब ये जगह फुल ऑफ क्राउड रहती है हमेशा। मंकी दिख गया भाई, ये स्ट्रेट लाइब्रेरी है से। ये भी कोई बिल्डिंग है, ये भी एक पॉइंट और ऊपर जाता लेकिन है। अब जब भी यहाँ आओगे ना, ये पॉइंट तो आपको हमेशा फुल ऑफ क्राउड दिखेगा, स्पेशली वीकेंड में। तो बहुत आउट सीजन तब भी आप इतना लोग यहाँ है, जब सीजन होता होगा तब कैसा होता होगा। जगह जगह बच्चे लोग, बच्चा सब कुछ जैकेट में है, कोई कुछ है, आप खुद ही समझ सकते हो कि इस टाइम क्या टेम्परेचर होगा। पर ये हमारे भाई हैं, ये पहलवान बन रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं, लोग जैकेटों में घूम रहे हैं और हमारे भाई लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं। बस अब ये है भाई, महात्मा गांधी जी का स्टेचू था ये, अभी हमने देखा था। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आपको महात्मा गांधी जी का स्टेचू, और ये है इधर इंदिरा गांधी का स्टेचू। इंदिरा गांधी जी का स्टेचू ये है, और ये है चर्च के बराबर में महात्मा गांधी जी का स्टेचू। महान हस्ती है भाई हमारे देश की, रेस्पेक्ट तो बनती है। पहले रील बना रहे थे, पूरा क्लियर था वेदर, और अभी दो मिनट भी नहीं हुए होंगे, कुछ भी सब कुछ दिखना बंद हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। जूम करके देख रहा हूँ, नॉर्मल कैम कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी लिटरली कुछ आपको नहीं दिख रहा है। नीचे पूरी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ट्री हैं, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है भाई। क्या जन्नत वाला मौसम हो रहा है, लिटरली हम दिल्ली वाले के लिए स्पेशली जन्नत वाला मौसम है, दिल्ली यूपी, क्योंकि अपने वहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम भी। अभी देख रहे कुछ नहीं दिख रहा था, और वापस 10 मिनट बाद फिर से वेदर नॉर्मल, सब कुछ दिखने लग गया। बच्चे हॉर्स राइडिंग का मज़ा ले रहे हैं, चलो हम भी पता करेंगे, ट्राई करेंगे करने की, अगर ये हमें खुद से करने देगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि खुद से करने का ही मज़ा है। हमने की इसे हॉर्स राइडिंग की बात, तो ये कह रहे हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन है, बट मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं राइडिंग खुद करूँगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, आगे से उसको पकड़ लेते हैं। बट नहीं, मेरे को राइडिंग खुद करनी है, बिकॉज मैं राइडिंग कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत जैसी भी आती है, लेकिन धीरे धीरे कर सकता हूँ। कहा नहीं सर, हम देते नहीं ऐसे। मैं कहा फिर ऐसे क्या फ़ायदा, फिर तो बच्चे वाले बैठने वाली बात है यार। आप लोगों से बात करते करते ना हॉर्स राइडिंग का पता किया, और उसी लम्हे में देखो वेदर फिर से चेंज होना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हो बादल बिल्कुल ये बराबर में घूम रहे हैं, ये देखो ये कवर किया, पता नहीं कैमरे में कवर हुआ नहीं हुआ। चर्च भी दिखना बंद हो जाएगा दो मिनट में, बिल्कुल बंद हो जाएगा एकदम, ये देखो। चलो थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं यार, भूख भी लगने लगी है, दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे हैं, और कोई नहीं कह सकता दोपहर के 3 बज रहे हैं मौसम को देख के, लेकिन पेट तो कह रहा है भाई भूख लगी है, खाना खाओ। ये देखो भाई शिमला नीचे का नज़ारा ऊपर से, लिटरली यार मज़ा आ गया, पैसा वसूल है भाई, सुपर। आओ आप लोग भी मज़े करो, एक तरफ बादल ही बादल है और एक तरफ कुछ नहीं है, एक तरफ साफ है। ये देखो इधर कुछ दिख नहीं रहा, शिमला सिटी की तरफ का नज़ारा है, और दूसरी तरफ सब कुछ दिख रहा है। यही तो पहाड़ों की खूबसूरती है भाई, यही तो। सो गाइस आज का हमारा शिमला का टूर पूरा हो गया है, पूरा मॉल रोड आपको घुमा दिया है, और कल की प्लानिंग अभी कुछ भी नहीं है, ऊपर कुफरी या फिर कुफरी से आगे एक जगह और है, वहाँ जाने की प्लानिंग है। थोड़ा रात को डिस्कशन करेंगे, फिर आपके साथ मिलते हैं, लेकिन आज का ये टूर मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपना प्यार दिखाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं थोड़ी मेहनत लगती है यार, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।